मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में जय श्री राम के नारों की गूंज लगातार तेज होती जा रही है। दो दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे से रवाना हुआ शिव सैनिकों का पहला जत्था देर रात अयोध्या पहुंचा। अयोध्या स्पेशल एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से लगते ही शिव सैनिकों का सैलाब स्टेशन से बाहर निकला। इसी प्रण के साथ कि अब की बार अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद ही लौटेंगे, हाथों में भगवा ध्वज, माथे पर भगवा पट्टी और टोपी, जुबां से बस जय श्री राम जय श्री राम। अब आगे अयोध्या में राम मंदिर बना के जाएंगे। सरकार ने जो किया है कि इस राम के नाम पे खाली लोगों को उल्लू बनाया है, मगर इस बार ये मुद्दा अब शिवसेना ने लिया है। शिवसेना ऐसी चुप बैठने वाली नहीं। शिवसेना ने महाराष्ट्र से पूरी की पूरी ट्रेन ही बुक करके अयोध्या के लिए रवाना कर दी है। पहली ट्रेन देर रात पहुंची तो दूसरी आज सुबह। सैकड़ों की संख्या में शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का अयोध्या में जमावड़ा हो रहा है। हम इस वक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुंबई से चलने वाली ये स्पेशल ट्रेन यहां पर पहुंची है। अयोध्या में तमाम शिव सैनिकों को लेकर के ये स्पेशल ट्रेन करीब 2000 शिव सैनिकों को लेकर के आई है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे जो 25 तारीख को यहां आने वाले हैं उनके उनके स्वागत के लिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर स्पेशल जो ट्रेन चलाई गई थी वो यहां आ रही है। 25 नवंबर को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा है। दावा है कि लाखों की तादाद में राम भक्त अयोध्या में मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या में माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि दिसंबर 1992 की घटना अभी भी मन मस्तिष्क की यादों से धुंधली नहीं हुई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी आज अयोध्या पधारने वाले हैं, लेकिन अब की बार शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी को पीछे धकेलते हुए इस मुद्दे पर अपना वर्चस्व कायम करने की सियासी कोशिश भी कर रही है। पहले ट्रेन से कार्यकर्ताओं का अयोध्या कूच हुआ और बाद में हवाई रास्ते से भी शिव सैनिक एयरप्लेन में सवार होकर अयोध्या पहुंचे। प्रतिनिधित्व किया शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने। आदरणीय उद्धव साहब तो बार बार यही उठा रहे कि हमने वचन दिया था लोगों को, वो वचन पूरा करो। इसने खुद आ रहे हैं और कह रहे कि भैया आपने वचन दिया लोगों को, उस वचन को देखकर विश्वास रखकर लोगों ने आपको चुन कर दिया। अब 4.5 बरस हो गए लोकसभा में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको याद दिलाने आए हैं और किसी भी हालत में हम वहाँ मंदिर बनाएंगे। कहा जा रहा है कि 25 नवंबर की धर्म संसद में शामिल आरएसएस और शिव सैनिक भी शामिल होंगे। इनकार नहीं किया जा सकता है कि धर्म सभा से पहले शहर में तनाव का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। अयोध्या और फैजाबाद में धारा 144 तक लागू कर दी गई है। जी हां, अयोध्या में माहौल गर्म हो रहा है। हम न्यायालय की बातों में विश्वास करते हैं, लेकिन उसे फैसला देना चाहिए, अन्यथा सरकार कानून बनावे। मंदिर का निर्माण हर हालत में हमें चाहिए। ना मोदी जी महाराज चाहते हैं, ना योगी जी महाराज चाहते हैं। यदि चाहते मैं सौगंध करके कहता कल राम मंदिर बनता, कौन रोकेगा? इनकी सत्ता है। साधु संतों का जमावड़ा भी अयोध्या में बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर साधु भी एक सुर से राम मंदिर निर्माण की वकालत करते हुए राम नगरी में टेंशन का पारा लगातार ऊपर उठा रहे हैं। जिम्मेदारी अब केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ज्यादा है, जिनके कंधों पर ये भार है कि हालात कहीं नियंत्रण से बाहर न हो जाए, क्योंकि अयोध्या में माहौल गर्म है।